नमस्कार। 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ी घोषणा कर डाली। तीन न्याय संस्थाएं बदल दी गई और बदले गए उनके नाम भी। ऐसे नाम बदले गए कि इंडियन पीनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कह दिया गया, यानी कि भारत की न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव। अब ये बदलाव किस प्रकार से हमारी इस न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगा, किस प्रकार से भारत की न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने में, उसे विकसित करने में और देश के समाज को एकजुट करने में उन्हें सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल एडवोकेट रंजीत सिंह जम्वाल जी, जो बार एसोसिएशन J&K के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और 30 वर्षों का अपना एक योगदान देने के बाद क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी ऑफ J&K के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपराधिक कानून भारत में किस तरह से व्यवस्थित रूप से शुरुआत की गई इसकी, और किस तरह से हमारी न्याय प्रणाली को आगे ये सुदृढ़ बनाते रहे हैं। मैम देखें, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखेंगे, सिविलाइजेशन को, इंडियन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जी। और अगर हम धार्मिक तरीके से देखें, जिसमें अगर हम अपने ग्रंथों को नजर डालें, शास्त्रों को डालें, तो न्याय प्रणाली जो है शुरू से हमारे कल्चर में रही है, लेकिन ये अनकोडिफाइड फॉर्म में थी। तो फर्स्ट टाइम इसको कोडिफाइड फॉर्म में जो है अंडर द ब्रिटिश रूल, जब हमारी कंट्री थी 1832 में, एक लॉर्ड मैकॉले कमीशन बना, उसने अपनी कोई रिकमेंडेशंस दी और 1860 में जो है इंडियन पेनल कोड जो है कोडिफाइड फॉर्म में जो है इन ऑपरेशन आ गया हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन जैसे ही समय बदला, उसके साथ साथ कुछ बदलाव जो हैं वो टाइम टू टाइम जो हैं इसमें नहीं आ सके, और अब तकरीबन 150 साल से वही जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक कोडिफाइड फॉर्म एक कानून था जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, और वो ऑलमोस्ट जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी सबके लिए ऑलमोस्ट वो सेम ही था। तो उसी को हम कैरी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो समय के साथ है, आपको पता है कि चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी जो है रिफॉर्म हो गई, ग्रो कर रही है, तो उसके साथ साथ जो है हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें भी जरूरत थी कि इसमें कुछ बदलाव आए जो आज की डेट में जो हमारा एक सोसाइटी है उसके मुताबिक उसमें बदलाव आए। तो इसके लिए जो है डिफरेंट जो है उसकी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तो सजेशंस देता रहता है स्टेक होल्डर्स से, जिसमें हम कहेंगे जुडिशरी है, उसमें एडवोकेट्स एक बड़ा मेजर पार्ट रहते हैं, पुलिस है, या जो विक्टिम है, विक्टिम भी आज की डेट में जिसको हम कहेंगे बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो पुराना हमारा सिस्टम था ये क्रिमिनल सिस्टम था, तो आप नाम से ही अगर इसका मतलब हम हिंदी में इसका व्याकरण उसको करेंगे, मीनिंग निकालेंगे इंडियन पेनल कोड का, तो उसका आता है भारतीय दंड संहिता। लेकिन हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं जिसको हम पार्लियामेंटेरियंस कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे, पार्लियामेंट जो एक हाईएस्ट हाउस ऑफ द कंट्री है, तो उन्होंने इसका नाम बदल के क्या रखा है आप बेहतर जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो दंड संहिता से हम न्याय संहिता पे आ गए, जो एक कोर था पहले, एक पनिशमेंट जो कोर ऑफ दी पेनल लॉ था उसको अब हम ले आए, कोर इसका आ गया अब जस्टिस टू दी पब्लिक एट लार्ज जी। तो ये जो बदलाव आया, ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई, ये केवल नाम ही बदला गया या इसमें सुचारू रूप से कानून भी बदले हैं, उनके अधिनियम भी बदले हैं, जिसे आप क्लॉज और सब क्लॉज कहते हैं वो भी बदले गए हैं? देखिए, ऐसा है, जो इंडियन पेनल कोड था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जी। तो मोटे मोटे तौर पे जो मैंने एक छोटा सा रिसर्च वर्क किया है उसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसमें एक तो ये जो IPC के प्रोविजंस थे थोड़े से आउटडेटेड प्रोविजंस थे, तो कुछ बीच में ऐसी चीज़ें थी जिसमें जिसको हम कहेंगे एक होमोसेक्सुअलिटी का एक क्राइम था। हाँ। आपको पता है उसमें एक बहुत लंबा लीगल बैटल चला और 2018 में इसको जो है एक डी क्रिमिनलाइज कर दिया गया जी। वो एग्जिस्टिंग था,
तो इस टाइप के कई और प्रोविजंस थे जो आउटडेटेड थे, जिनको हटाने की जरूरत थी। इसमें आईपीसी में थोड़ी जो लैंग्वेज थी ब्रिटिशर्स ने उस वक्त अपने हिसाब से बनाई थी, इसमें कुछ सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटीज थी, क्लैरिटी नहीं थी इंटरप्रिटेशन में। तो अगर हम इंटरप्रिटेशन करने जाएंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा एक ऑफेंस था, पिछले दिनों में बड़ा डिस्कशन में रहता था, सेडिशन का ऑफेंस, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। तो किसी के ऊपर भी पुलिस जो है वो सेडिशन के चार्जेस लगा देती थी, और उसका फिर लंबा ट्रायल, फिर लंबी डिबेट, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं जानते हैं, मीडिया में लंबी लंबी डिटेल्ड जो है डिस्कशन स्टार्ट हो जाती थी। तो मतलब उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ नियम बना करके रखे थे जो उनके लिए अच्छे थे, जो और वही इतने सालों से हम चला रहे हैं। इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो अब उन्होंने जो कानून बनाए थे वो एक कॉलोनी को कैसे कंट्रोल करना है उसके हिसाब से बनाए थे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं समय की, इसका मतलब ये रहा कि इतने सालों से हम आज भी कानूनी तौर पर कॉलोनियलिज्म को ही आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन न्याय प्रणाली में कोई सुधार हमने अभी तक नहीं किया। मेजर चेंजेस जो है वो जिसको हम कहेंगे आज की डेट में आई है, लेकिन माइनर जो है एज पर रिक्वायरमेंट जो है अमेंडमेंट्स होती रही हैं जी, जो छोटी मोटी चेंजेस रिक्वायर्ड थी वो करते रहे हैं। लेकिन एक जो नाम था इंडियन पेनल कोड, उसको न्याय संहिता में बदलने में और इसको इंडियनाइजेशन करने में, एक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आने में इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है जी। क्योंकि किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कम्युनिटी की या सिविलाइजेशन की ग्रोथ जो है उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है मेक इन इंडिया, तो उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमें जो है एक जो हीन की भावना थी एज कॉलोनी वो हमसे बाहर जाए और हम ग्रोथ की तरफ बढ़े। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप टूवर्ड्स ग्रोइंग इंडिया। आज की डेट में हम फिफ्थ जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, नंबर वन जो है पॉपुलेशन वाइज हम हैं। तो हमारा कानून हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, जो सिटीजन सेंट्रिक हो जी। और इतना बदलाव समाज में भी इतने सालों से हुआ है, बहुत से ऐसे सामाजिक स्तर और बहुत सी ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता थी जो हम लोगों ने अब तोड़ दी है, तो न्याय उस हिसाब से भी, न्यायिक दृष्टि से भी हम लोगों को अपनी ये न्यायिक प्रणाली में बदलाव जरूरी था। डेफिनेटली, क्योंकि पहले जो हमारा कानून था वो ऑफेंडर सेंट्रिक था, बिल्कुल, कि हमने उसको पनिश कैसे करना है। आज की डेट में जो भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें कोशिश की गई है कि ये एक विक्टिम सेंट्रिक हो, जस्टिस जो है डिलीवरी हो, इसमें सिटीजन सेंट्रिक हो, और उसके मुताबिक जो है रिक्वायर्ड जो है चेंजेस आई हैं। और अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की मर्जी की, कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी मर्जी की कि इसकी इंडियनाइजेशन करनी है तो हम कर देते हैं, कोई ये, हमारा ये, मूड ये है धारणा, ये एक धारणा लोगों में दिया जाता है जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भारतीयता करना है, इनको संस्कृताइज करना है, तो इसलिए ये लोग अब भारतीय करके लिखते हैं। ऐसा नहीं है, इसके लिए हम अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक मालीमठ कमेटी बनी थी 2003 में, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि ये हमारा जो कानून है दिस मस्ट बी विक्टिम कंपनसेशन रिलेटेड, और जो विटनेस की जो प्रोटेक्शन है उसको प्रोविजंस होने चाहिए। तो एक ठोस आधार और एक शोध के आधार पर ये बदलाव। बिल्कुल। और मैं आपको अपना जो प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से भी आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि जो विटनेसेस कोर्ट में आती हैं, मैं क्रिमिनल साइड पे वकालत करता हूं, तो विटनेसेस की सिक्योरिटी कोई नहीं है। अगर आप किसी केस की थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो उसमें मैक्सिमम केसेस में जिनमें एक्विटल होता है उसमें विटनेसेस होस्टाइल हो जाती हैं। होस्टाइल विटनेस हम उसको कहते हैं जो विटनेस कोर्ट में आती है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने बराबर बयान दिया है कि मेरे सामने ऑफेंस कमिट हुआ, ये मुल्जम था, ये विक्टिम था, लेकिन जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते तक उसको 10 टाइप की हर्डल्स रहती हैं। उसकी सेफ्टी का मसला है, उसकी फैमिली पीछे बैठी है, उसको टाइमली कोर्ट में कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीजें लैग करती थी। तो वो आ जाके क्या करता है, वो अपने बयान से जो है वो बैकआउट कर जाता है। तो ये जो लैकूनास थे उसकी एडवांटेज किसको मिलती थी, ऑफेंडर को मिलती थी। तो इन सारी चीज को इम्प्रूव करने के लिए मालीमठ कमेटी ने जो है अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की एक रिकमेंडेशन आई, आपको 2012 का जो है डेली गैंग रेप एंड मर्डर केस याद होगा, निर्भय मर्डर केस। तो उसमें जो स्ट्रांग रिकमेंडेशन जो है जस्टिस वर्मा जो है कमेटी ने दी कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये विमेन और चाइल्ड जो है
फोकस्ड होना चाहिए कि उनको मैक्सिमम जो है इसके बेनिफिट्स कैसे मिल सके। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता हाँ, है अब ये महिला अधिकारों और महिला कानूनों को लेकर के ज्यादा सजग रहेगी। बिल्कुल सेंसिटिव है और इसमें प्रोविजंस लाए गए हैं। और जब ये कमेटीज जो मैंने आपको दो कही, इसके बाद जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट की, तो ये सारी रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के पास एक जो है पूरा मटीरियल जो है वो रिक्वायर्ड मटीरियल प्रेजेंट था। और गवर्नमेंट का ऑलरेडी माइंड में था कि कैसे हमने कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसे बाहर आना है, और ये सारी कमेटीज के रिकमेंडेशंस को देखते हुए ये न्याय संहिता जो है, जैसे आपने कहा कि दिसंबर 25, 2023 को जो है ये इनेक्ट हुआ और 1 जुलाई 2024 को ये है ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट जी हो जाएगा। नए कानून मंत्री श्री मेघवाल जी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 1 जुलाई से ये प्राथमिकता से अब न्याय प्रणाली में उपयोग किए जाएंगे। बिल्कुल, उसके लिए जो पुलिस है उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है एंड दे हैव बीन मेड वेल इक्विप्ड कि कैसे इनकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करनी है। तो ऐसा है, इस बैकग्राउंड में तो कोई कह नहीं सकता कि ये ऐसे ही है, कोई रूटीन एक्सरसाइज है, ये बड़ी एक रिक्वायर्ड, मच रिक्वायर्ड जिसको हम कहेंगे वो एक चीज थी। और जब ये रिकमेंडेशन आई हैं तो इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनका ओपिनियन था दैट दिस वुड बी ए वाटरशेड मूवमेंट फॉर द नेशन। जी, तो उसमें जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कहा कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारी इंडिया की उसके लिए दिस वॉज मच रिक्वायर्ड। और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो है या गवर्नमेंट का स्टैंड रहा, तो उन्होंने गवर्नमेंट का तो कैटेगरिक स्टैंड है कि दिस वुड बी सिटीजन सेंट्रिक एंड दिस वुड बी जस्टिस सेंट्रिक कानून जो ये रहेगा। आपकी जो ये बातें मैं सुन रही हूँ इससे मुझे सिर्फ जहन में यही बात एक आ रही है कि जिसे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना कहते हैं, तो न्यायिक दृष्टि से मुझे लगता है अब हम वाकई में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर होता हुआ न्यायिक दृष्टि से भी दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो 3 कानून है बेसिकली जिसमें जो है ये चेंजेस लाई गई है, एक तो ये आ गया भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हिंदी में कई बार हमें डिफिकल्टी होती है प्रैक्टिकल इसको अंडरस्टैंड करने में, मैं भी वकालत में हुई, हमारे वकील भी हैं, तो हिंदी हमारी कॉमन लैंग्वेज यहाँ नहीं रही है, तो इसको इंग्लिश में अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो IPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इनमें चेंजेस हैं क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। जो प्रोसीजर है पेनल ऑफेंसेस के लिए वो पूरा प्रोसीजरल कोड में है, नागरिक सुरक्षा संहिता जो तो जब हम IPC में कोई बदलाव करेंगे तो जाहिर तौर पर बाकी के दो बाकी में भी नियमों में भी अपने आप ही बदलाव इंटरकनेक्टेड है। एविडेंस एक्ट है उसमें भी जरूरत रहती है क्योंकि अगर टाइमली विटनेस नहीं आ रही है, उसका प्रोसीजरल कोई लैकुनाज है, तो फिर ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज सारी हो जाएगी। बहुत सही आपने बात कही और मुझे लगता है अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं इससे जुड़े हुए जिनका जवाब लेना हम लाजिम भी समझते हैं, लेकिन समय की कद्र हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर। और रंजीत जी, इतने कम समय में भी आपने IPC यानी जो अब नया भारतीय न्याय संहिता है इसके ऊपर आपने अपना दृष्टिकोण हम सबके साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रंजीत जी ने जिस प्रकार से न्यायिक प्रणाली में हो रहे इस बदलाव की बात की है, हम उम्मीद यही करते हैं और कामना यही करते हैं कि भारत अब न्यायिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भरता की ओर यूं ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत की इस न्यायिक दृष्टि के बदलाव के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।